आज हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है पैथोलॉजी का, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, सेल इंजरी एंड अडैप्टेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि सेल जो है वो किस तरह से इंजर्ड हो सकता है और वो बाद में इंजरी के बाद अडैप्ट किस तरह से कर सकता है। ठीक है, वो अपनी अडेप्टेशन किस तरह से करता है, अपने आप को नॉर्मल करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाती है नॉर्मल सेल की डेफिनेशन, कि नॉर्मल सेल क्या होता है। नॉर्मल सेल बेसिकली इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि होम्योस्टेसिस की कंडीशन में होते हैं। ठीक है, होम्योस्टेसिस हमारे पास होता है इस तरह की कंडीशन जिसमें कोई भी सेल जो है वो स्टेबल रहते हैं। ठीक है, द सेल दैट हैज द टेंडेंसी टू स्टेबल इट्स नॉर्मल और होम्योस्टेटिक स्टेट इज एबल टू हैंडल फिजियोलॉजिकल डिमांड्स इज कॉल्ड नॉर्मल सेल। तो हम किसी भी चीज को, किसी भी सेल को नॉर्मल सेल तब कहते हैं जब हम कहते हैं कि वो अपनी होम्योस्टेटिक स्टेट में है। होम्योस्टेटिक स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो अपनी स्टेबल या अपनी बैलेंस स्टेट में हो। ठीक है, इसमें कहते हैं कि सेल जो है वो नॉर्मल सेल है, क्योंकि जब होम्योस्टेटिक स्टेट में होता है तो उसकी जो इंटरनल कंसेंट्रेशन होती है वो आउटर कंसेंट्रेशन के ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है, और उसकी सारी चीजें जो होती हैं वो बैलेंस होती हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल सेल। अगर हम देखें कि सेल रिस्पॉन्स किस तरह से करता है अपने एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस को, अपनी जो मतलब बुरी चीजें होती हैं उनको रिस्पॉन्स करने के लिए सेल किस तरह से रिएक्ट करता है, तो वो 2 तरह के तरीके उन्होंने हमारी बुक में बताए हैं। ठीक है, सेल्स रिएक्ट टू द अनफेवरेबल कंडीशंस इन द फॉलोइंग वेज। सेल जो है वो जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उसको 2 तरीके से जो है वो उनके अंदर रिएक्ट करता है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है सेलुलर अडेप्टेशन। ठीक है, पहला तरीका जिस तरह से जिसमें सेल जो है वो रिएक्ट करता है वो है सेलुलर अडेप्टेशन। दूसरा तरीका है सेल इंजरी। ठीक है, मतलब अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो यहाँ तो सेलुलर अडेप्टेशन होगी और यहाँ सेल इंजरी होगी। अब सेलुलर अडेप्टेशन क्या होती है, अडेप्टेशन इज एन एडजस्टमेंट ऑफ द सेल विद इन लिमिट्स टू द एनवायरमेंट इन विच अल्टर्ड स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड टू प्रिजर्व द वायबिलिटी ऑफ दिस सेल डिस्पाइट कॉन्टिन्यू स्ट्रेस। सेलुलर अडेप्टेशन का मतलब ये है कि सेल की इस तरह की एडजस्टमेंट जो कि लिमिट्स के अंदर रहते हुए सर जो अपना सेल है वो करता है। ठीक है, और उसमें वो क्या करता है कि जो उसकी चेंज स्टेट होती है उसको अल्टर्ड स्टेट पे जो है वो अचीव करता है, क्यों, ताकि वो अपनी वायबिलिटी को, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सके। यानी सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस पड़ा, ठीक है, उसका एनवायरमेंट जो है वो स्ट्रेसफुल हो गया, तो सेल ने क्या किया, अपनी स्टेट जो थी वो चेंज कर ली। ठीक है, अपनी स्टेट चेंज करके वो नई स्टेट में जो है वो बन गया। ठीक है, और वो स्टेट जो है वो उसके एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल है। ठीक है, तो उसने अपनी वायबिलिटी को, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपनी शक्ल चेंज की, अपनी शेप चेंज की, और स्ट्रेस के अंदर जो है वो फिर सर्वाइव कर गया। इस चीज को हम कहते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। ठीक है, स्ट्रेस उन्होंने बताया जी फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। अब जो स्ट्रेस यानी सेलुलर अडेप्टेशन के अंदर चीजें आती हैं कि सेल किस तरह से अडेप्ट करता है, अपनी शेप को चेंज करता है, उसमें ये चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहले हाइपरट्रॉफी है, ठीक है, उसके बाद है एट्रोफी, उसके बाद है हाइपरप्लेजिया। अभी हम पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने 2 कंडीशन पढ़ी है सेल किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, सेलुलर अडेप्टेशन और सेल इंजरी की शक्ल में। सेलुलर अडेप्टेशन के अंदर जो चीजें आती हैं उसमें हमारे पास हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी और हाइपरट्रॉफी आता है। अब हाइपरट्रॉफी का मतलब देखें, हाइपर मीन इंक्रीज, ट्रॉफी मीन साइज। ठीक है, अब एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। ये किसी भी ऑर्गन का या किसी भी टिश्यू का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि उसके अंदर सेल्स की अमाउंट बढ़ गई है, उसकी वजह से ऑर्गन का साइज भी बढ़ गया, इसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। जैसे कि स्केलेटल मसल का मास इंक्रीज हो जाए, क्यों, क्योंकि हम एक्सरसाइज ज्यादा करें। ठीक है, या आप कह लो कि कोई हार्ट डिजीज हो आपकी, तो उसकी वजह से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाए, नंबर ऑफ सेल्स तो उतने ही रहेंगे लेकिन क्या होता है कि उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स सेम रहने हैं, ये चीज एमसीक्यूज में आती है कि हाइपरट्रॉफी के अंदर इंक्रीज किस चीज में होता है, साइज में या नंबर में। तो आपने बताना है कि हाइपरट्रॉफी के अंदर जो चीज इंक्रीज होती है वो साइज होता है, ना कि नंबर। ठीक है, सिर्फ ऑर्गन अपने साइज में इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है, सिंपल। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी में क्या चीज हुई, इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन डी टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। ठीक है, ये कंडीशन हाइपरट्रॉफी। उसके बाद हमारे पास होता है एट्रोफी। एट्रोफी होता है कि अगर कोई ऑर्गन जो है उसका साइज कम हो गया, ठीक है, यानी उसके जो सेल्स थे उनका मास कम हुआ, उनका साइज कम हुआ, जिसकी वजह से जो ऑर्गन का साइज था वो कम हो गया, उसे हम कहते हैं एट्रोफी।
अब टिश्यू एट्रोफी होती है इन द पीरियड ऑफ लॉन्ग स्टारवेशन, जैसे आप मतलब ज्यादा देर तक खाना नहीं ना खाते तो फिर आपके टिश्यू जो है वो साइज में कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपने जो चीज ख्याल रखनी है वो ये है कि नंबर ऑफ सेल्स रिमेन अनचेंज, ठीक है। हाइपरट्रॉफी में भी नंबर ऑफ सेल्स में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ साइज में चेंज आता है। और जो एट्रोफी होता है उसमें भी जो नंबर ऑफ सेल्स है उसमें चेंज नहीं आता, सिर्फ साइज चेंज है वो होता है। नेक्स्ट हम आपके पास जो सेलुलर एडेप्टेशन है उसके अंदर तीन चीजें आती हैं, ठीक है। एक चीज हमने पढ़ ली हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रॉफी, दूसरी चीज हमने पढ़ ली कि भाई एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। और तीसरी चीज हमारे पास क्या आ रहा है, हाइपरप्लेसिया आ रही है, ठीक है। अब हाइपरप्लेजिया में देखें इंक्रीज इन द साइज ऑफ, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर साइज जो ऑर्गन का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो उसके सेल्स हैं उनकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है, इसे कहते हैं हाइपरप्लेजिया, ठीक है। जैसे कि यूट्राइन इनलार्जमेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसमें क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, साइज इंक्रीज नहीं होता, नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो हमने ये तीन टर्म्स पढ़ी हैं, हाइपरट्रॉफी जिसमें साइज जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, एट्रोफी जिसमें साइज कम होगा क्योंकि सेल्स का साइज कम हो रहा है, हाइपरप्लेजिया जिसमें साइज तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस वजह से हाइपरप्लेजिया हो रहा है। तो ये हमारे पास एक रिस्पॉन्स जो है वो खत्म हो जाता है यहाँ पे, जो कि सेलुलर अडेप्टेशन का था, ठीक है। सेल का रिस्पॉन्स जो हम पढ़ रहे हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में वो करता है, एक रिस्पॉन्स हमारा कंप्लीट हो गया सेलुलर अडेप्टेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास सेलुलर अडेप्टेशन के बाद जो हमने चीज पढ़ी थी वो है हमारे पास सेल इंजरी, ठीक है। सेल इंजरी हमने पढ़नी है। अब इसके बाद सेल इंजरी में देखेंगे सेल इंजरी का जो है पोर्शन है उसमें क्या आता है। सेल इंजरी, सेल इंजरी में हमने उन्होंने कहा कि जब भी अडेप्टिव कैपेसिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है सेल की, ठीक है। नहीं, जब आप इतनी चीजें जो है वो सेल के ऊपर हो रही हैं, ठीक है, सेल के ऊपर बहुत ज्यादा इंजरीज हो रही हैं, तो उसको हम कहते हैं कि जब लिमिट्स होती है अडेप्टिव कैपेसिटी की वो खत्म हो जाती है या कोई अडेप्टिव रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उसके नतीजे में हम कहते हैं कि अब हमारे पास सेल की इंजरी हो गई। ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखें कि मतलब इस तरह की पैथोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। जब कोई स्ट्रेस वगैरह वो रिमूव किया तो इंजरी जो है वो खत्म हो गई, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी परमानेंट होती है, ठीक है। इस तरह की पैथोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जो कि परमानेंट होती हैं और उसकी वजह से सेल की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज जो होती है हमारे पास ये रिवर्सिबल सेल इंजरी में आ जाती है। जी, हमारे पास सेल इंजरी के दो टाइप्स होंगे, ठीक है। अब हमने कॉजेज पढ़ ली, सेल इंजरी की कॉजेज भी उन्होंने आगे थोड़ी एक्सप्लेन कर दी है कि सेल इंजरी की कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं। हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोक्सिया क्या होता है नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, जेनेटिक डिफेक्शन, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, ये सारी कॉजेज बताई हैं, ठीक है। ये यूएचएस में ही आई हुई है। अब देखिए हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया की डिटेल उन्होंने नीचे लिखी है। इट मीन्स द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन क्यों हो सकता है, या तो उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, ठीक है, या ऑक्सीजनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की कम हो गई है, जैसे कि एनीमिया में हो जाते हैं, या टिश्यू परफ्यूजन जो होती है वो कम हो जाती है, जैसे कार्डिक फेलियर में या शॉक में, यानी टिश्यू के ऊपर टिश्यू की परफ्यूजन जो है ना वो कम है। इन सारी चीजों के नतीजे में आपको हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिजिकल एजेंट्स हैं कुछ जिनके नतीजे में हम सेल इंजरी हो सकती है, वो कौन कौन से हैं, ट्रोमा, रेडिएशन, ठीक है, शॉक की कंडीशन है, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, या कि एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें सडन चेंजेस आई है तो आपका सेल जो है वो इंजर्ड हो सकता है। केमिकल एजेंट्स में ग्लूकोज आ जाता है, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन आ जाती है, ठीक है, आर्सेनिक, पॉइजन वगैरह आ जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह या ड्रग्स वगैरह आ जाते हैं, सारे केमिकल एजेंट्स होते हैं। उसके बाद आपके पास माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स में आपके पास बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंजाई हैं या पैरासाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, उसके बाद आपके पास 1, 2, 3, 4, 5th जो कॉज है वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है। इसमें क्या आता है कि भाई एनाफिलेक्टिक कोई रिएक्शन हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी जीन्स में ही डिफेक्ट है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है, यानी अगर एक पर्सन जो है वो विटामिन ठीक तरीके से नहीं ले रहा है या प्रोटीन का इंटेक जो है वो ठीक नहीं कर रहा था, तो उसके नतीजे में जो है वो सेल इंजरी हो सकती है। और लास्ट में हमारे पास कॉज जो होती है सेल इंजरी की, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया कि माल न्यूट्रिशन के नतीजे में या प्रोटीन अगर अच्छे तरीके से नहीं ले रहा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल सेल क्या होता है और सेल रिस्पॉन्स किस तरह से करता है जब उसकी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है उसके नतीजे में। दो तरह से रिस्पॉन्स करता है, सेलुलर अडेप्टेशन जिसके अंदर हमने हाइपरट्रॉफी पढ़ी, ठीक है, एट्रोफी पढ़ी, हाइपरप्लेजिया पढ़ा।
दूसरा हमने रिस्पॉन्स पढ़ा सेल इंजरी, जिसमें हमने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल पढ़ा, प्लस हमने इसकी कॉजेस पढ़ ली। ठीक है, ये आपका एक जो कह लें कि फर्स्ट टॉपिक आउटलाइन कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड आउटलाइन जो हमारे पास आती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, अगर सेल इंजरी होती है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, अब उसके मैकेनिज्म के अंदर ना आपने ये पॉइंट्स जो शुरू में बुलेट्स लिखे हुए हैं ना, इनको याद रखना है, क्योंकि इसी ने ही मतलब मोस्टली आता कि जो सिस्टम्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ये सिस्टम्स हैं। ठीक है, और जो इन्वॉल्व होते हैं मैकेनिज्म वो ये वाले होते हैं बेसिकली, जिनको उन्होंने डिटेल में डिस्कस करना है आगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कहा इंट्रासेलुलर सिस्टम्स आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू सेल इंजरी, मतलब सेल के अंदर का सिस्टम जो होता है वो यूजली वल्नरेबल होता है, उसकी इंजरी ज्यादा जल्दी होती है। डिफरेंट पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई होते हैं जो कि सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू। अब जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ये चीज इंपॉर्टेंट है अगर सेल को स्टेबल रखना है। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ये चीजें इंपॉर्टेंट है अगर अपने सेल को स्टेबल रखना है। या प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द जेनेटिक अपरेटस, जेनेटिक अपरेटस की मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे वो सिस्टम्स हैं जो कि सेल की स्टेबिलिटी के लिए, सेल की वायबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीज सिस्टम्स आर क्लोजली रिलेटेड एंड दस इंजरी टू वन सिस्टम लीड टू वाइड रेंजिंग सेकेंडरी इफेक्ट्स, यानी अगर ये सिस्टम्स जो है वो इफेक्ट होते हैं तो फिर उसके नतीजे में सेल इंजरी बहुत जल्दी हो सकती है। ठीक है, कुछ पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिनकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, यानी अगर हमने सेल मेम्ब्रेन को खराब कर दिया, हमने पढ़ा था ना कि मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका उल्टा आपने इधर लिख देना। ठीक है, इसको रिवर्स करके इसका ऑपोजिट इधर लिख देना कि अगर सेल मेम्ब्रेन इम्पेयर्ड हो जाएगी तो सेल इंजरी हो जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने रिवर्स करके इधर लिख देना है कि अगर एटीपी कम हो जाएगी तो आपके पास सेल इंजरी हो जाएगी। तीसरा हमने पढ़ा था कि जो जेनेटिक अपरेटस है उसको भी इम्पोर्टेंट है प्रिजर्व रखना, अगर जेनेटिक अपरेटस में कोई अल्टरेशन हो जाती है, कोई चेंजेस हो जाती हैं, तो फिर भी सेल जो है इंजरी हो जाती है। और चौथा सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, इनके सिंथेसिस भी जरूरी है अगर इनका कोई मसला होता है, तो वो हमने यहाँ चौथे पॉइंट में मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट, ठीक है, इसमें सारी प्रोटीन एंजाइम्स आ जाते हैं, अगर इनमें कोई चेंजेस आते हैं तो फिर भी आपकी सेल जो है उसकी इंजरी हो सकती है। तो हमने ये सारे पॉइंट्स किस तरह से याद करनी है, एक को आपने याद कर लिया ऊपर वालों को, उनका सारा ऑपोजिट उनका रिवर्स आपने नीचे लिख दिया। ठीक है, हम मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी पढ़ रहे हैं, तो हमने पढ़ा कि ये मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट है, अगर इन मैकेनिज्म्स में चेंजेस आती हैं, इनका रिवर्स ये चीज है, तो इससे भी मसला जो है वो सेल का खराब होगा। तो इसको उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ कि इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन जो है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन किस तरह से खराब हो सकता है। अगर तो कोई फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाए बॉडी के अंदर, पर आपको पता ना जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं या हमारी बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती है, तो फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारी सेल की मेम्ब्रेन को खराब करते हैं, फिर हमारा सेल डैमेज होता है, ऐसे ऐसे सारे सेल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन खराब हो सकती है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन की वजह से सेल मेम्ब्रेन खराब हो सकती है। कैल्शियम होम्योस्टेसिस एंड इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, या तो कैल्शियम बिल्कुल ही लॉस हो जाए या कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा हो जाए, उसकी वजह से भी क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आता है, हमने जैसे कि पहले भी इसको रीड आउट किया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उनका एक सिस्टम होता है, उनका कह लो कि एक कलेक्शन होती है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट कैन बी एक्टिवेटेड डायरेक्टली बाय पैथोजेंस और इनडायरेक्टली बाय पैथोजेंस, ठीक है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को देखें, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आल्सो नाउन एज द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, दैट इनहांस द एबिलिटी, जो कि क्या करता है, इनहांस करता है एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, जो एंटीबॉडीज की एबिलिटी को और फेगोसिटिक सेल्स की एबिलिटी को इनहांस करता है टू क्लियर द माइक्रोब्स एंड डैमेज सेल्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी इन्फ्लेमेशन वगैरह करवाएगा और पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करवाएगा, ताकि एंटीबॉडीज की जो एबिलिटी होती है वो इनहांस हो और वो माइक्रोब्स को या डैमेज सेल को खत्म कर सके। ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आ जाता है। तो उन्होंने हमारे पास क्या बोला कि
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है हमारे पास, अगर उसको कोई कह लो कि एक्टिवेशन हो जाए उसकी, तो उसकी वजह से भी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन थोड़ा सा इंपेयर हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने तो हमने पढ़ा कि उसने अटैक करना है अब उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर जाके, ठीक है, पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करना है, तो उसकी वजह से उसकी अपनी मेम्ब्रेन भी थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम लीड्स टू इम्पेयर सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। उसके बाद है लाइसिस बाय एंजाइम्स, की अगर एंजाइम तोड़ फोड़ करना शुरू हो जाए मेम्ब्रेन की, तो उसकी वजह से भी मेम्ब्रेन खराब हो सकती है। लाइसिस बाय वायरसेस, हीट, कोल्ड एंड सर्टेन केमिकल्स, यानी अगर वायरस से कोई अटैक करेगा तो जारी बात है उससे भी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन खराब होगा। तो ये सारी वो चीजें हैं, ये पांच के पांच पांच इस तरह के हैं जिन्होंने क्या करना है, इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन करवाना है, ठीक है। अब अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए, जैसे मैंने इसकी भी थोड़ी थोड़ी डिटेल बताई कि प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स में आगे मैंने क्या बताया कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो एक सेल जनरेट करता है जब भी वो अटैक करता है किसी चीज के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल जो फ्री रेडिकल सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये मैंने पहले का पॉइंट बता दिया, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं सेल्स के अंदर किस तरह से, जब भी आयनाइजिंग रेडिएशन लगती है आपको, एक्सरे वगैरह करवाते हैं आप, ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, एजिंग हो जाती है, सेल खराब होना शुरू हो जाता है, या आपकी बॉडी के अंदर कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, ठीक है, उसके नतीजे में ये सेल फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल्स होते हैं वो करते हैं क्या, लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन, या लिपिड के जो है ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, ये डीएनए को डैमेज कर देते हैं, ये क्या करते हैं कि प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग करवा देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्री रेडिकल्स को खत्म करें अपनी बॉडी से, तो आपने डिफेंस मैकेनिज्म जो यूज करते हैं हम फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए, वो होता है कि इंट्रासेलुलर प्रोटेक्टिव एंजाइम्स है, रतलन नेचुरली ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज, ठीक है, ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि उसने ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज ने हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होकर, तो ये जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं इनको खत्म करना होता है, ठीक है। तो ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज जो है वो एक इम्पोर्टेंट कह लो के रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी के अंदर भी, और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं उनको खत्म करने के अंदर, ठीक है। ये एंजाइम का नाम जो है वो आपने याद रखना है, ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज। ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज आप सिंपल याद रख सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है जो कि हेल्प करता है, वो बेसिकली लिपिड की परोक्सीडेशन नहीं होने देता, और इस वजह से आपकी इंट्रासेल्युलर होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। इसने यही करना होता है, जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन रखना होता है, और किस तरह से मेंटेन रखता है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि सेल इंजरी होती है जब लिपिड की परोक्सीडेशन होती है, तो ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज जो है वो लिपिड परोक्सीडेशन को रोकता है, जिसकी वजह से सेल इंजरी कम हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा फ्री रेडिकल की डिग्रेडेशन के लिए हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास विटामिन ई है, विटामिन सी है, जो कि फ्री रेडिकल जितने भी जनरेट होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स में ये चीजें जो है वो थोड़ी सी आ जाती है। अब आपने ये दूसरा एरो लगाना है, लॉस ऑफ कैल्शियम, जो हमने पढ़ा कि कैल्शियम जो होता है वो उसका इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को खत्म करने में, डिग्रेड करने में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का जब भी रिलीज होती है कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज को, जो कि डिग्रेड करता है मेम्ब्रेन को, ठीक है, इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है। तीसरा हमारे पास सिस्टम था एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की थोड़ी सी डिटेल बताई, जिसमें C5V है, C6 है, C7, C8, ठीक है। जो मैंने आपको आगे बताया कि होता क्या, ये बेसिकली एक एंटीबॉडीज के लोगों को उसका कलेक्शन होती है जो कि माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आपके पास फोर्थ वन वाला था लाइसिस बाय एंजाइम्स, तो एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, पर इसकी किल करने के लिए लाइसिस बाय वायरसेस आ जाते हैं, वायरसेस, हीट, कोल्ड, सर्टेन केमिकल्स, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी या सेलुलर फंक्शन को लॉस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये एक बार इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन जो हमारे पास पहला मैकेनिज्म था जिसने सेल इंजरी करवानी थी, बेसिकली मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी में पहला मैकेनिज्म था इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, ठीक है, वो हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद आपके पास दूसरा पॉइंट है डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन, यानी एटीपी की प्रोडक्शन कम हो रही है।
अब अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है या हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन जो होती है वो कम होती है। ठीक है, एटीपी आपके पास रिक्वायर्ड होती है कि आपने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करवानी है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है, या अगर फॉस्फोलिपिड का टर्न ओवर कोई होना है, उसके सब चीज़ों के लिए एटीपी हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो अगर एटीपी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो इस पर हमने थोड़ा सा ही ओवरव्यू बताया, डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। उसके बाद हमने तीसरा मैकेनिज्म जो पढ़ा था, जेनेटिक अल्टरेशन। उसमें आपके पास क्या आता है, डीएनए इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता है जितना भी जेनेटिक कंट्रोल होता है वो डीएनए के हाथ में होता है, प्रोटीन्स एंजाइम्स सारा कुछ डीएनए ने बनाना होता है। ठीक है, जितने भी इनहेरिटेंस होती है जनरेशन टू जनरेशन वो डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर जेनेटिक अल्टरेशन हो जाए यानी क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसिस उनकी फेल हो जाती है, माइटोसिस नहीं अच्छे तरीके से होती, डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं होते अच्छे तरीके से, ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रोटीन्स जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनते, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो डिवेल्प होता है। जेनेटिक अल्टरेशन के नतीजे में आपको जो है वो सेल इंजरी हो सकती है, इम्पेयर सेल मेम्ब्रेन फंक्शन हो गया, एटीपीपी की प्रोडक्शन कम होती है, ये दूसरा मैकेनिज्म। तीसरा मैकेनिज्म जेनेटिक अल्टरेशन। अब चौथा मैकेनिज्म था मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट। ठीक है, मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट को हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट में क्या है जी, एक्सपोजर टू मेनी एक्सोजीनियस एंड इंजरियस एजेंट्स, जैसे कि ड्रग्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, इनकी वजह से क्या हो सकता है, सेल डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये उन्होंने फर्दर कहा है कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब ये मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में देखिए, उन्होंने चारों चीजों को समरी एक तरह की बना के ना आपको दे दिया कि इम्पेयर सेल मेम्ब्रेन फंक्शन हो सकता है, किस तरीके से फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन से कैल्शियम कम हो जाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से, लाइसिस ऑफ एंजाइम, लाइसिस बाय वायरसेस, या एटीपी प्रोडक्शन कम हो सकती है हाइपोक्सिया हाइपोग्लाइसीमिया से, जेनेटिक अल्टरेशन हो सकती है, मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल करके ये मैकेनिज्म जो है ऑफ सेल इंजरी, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म होता है। अब हमने दो क्वेश्चन जो है वो पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा नॉर्मल सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल रिस्पॉन्स किस तरह से करता है एडवर्स इन्फ्लुएंस में, सेलुलर अडेप्टेशन और सेल इंजरी के तौर पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा मैकेनिज्म कितने तरह के होते हैं सेल इंजरी के, वो ये चार मेन मैकेनिज्म्स थे। ठीक है, उनको आगे से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया उन्होंने। क्या हमने वो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट उन्होंने इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिक इंजरी, ये एक डिफरेंट कह लो के टर्म है या टॉपिक है जो उन्होंने नेक्स्ट एक्सप्लेन जो है वो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपने जब स्टार्ट किया था ना तो आपने सेलुलर अडेप्टेशन और सेल इंजरी पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमने सेल इंजरी तक खत्म कर लिया। अब एक नई टर्म जो है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं कि इस्कीमिया क्या होता है या हाइपोक्सिया क्या होता है, ये किस वजह से होता है। ठीक है, ये चीजें जो है ना उन्होंने डिस्कस करनी है, तो थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेते हैं, इस्कीमिया क्या होता है, हाइपोक्सिया क्या होता है, और इसकी वजह से किस तरह से इंजरी हो सकती है। अब देखिए, हाइपोक्सिया हमने पीछे पढ़ा कि ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं। ठीक है, वो किस वजह से सकता है, अगर इस्कीमिया की कंडीशन हो यानी ब्लड सप्लाई कम हो तो हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो या ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कम हो गई या टिश्यू परफ्यूजन, ये सारे पॉइंट्स हमने पीछे पढ़े हैं। ठीक है, वही हमने आगे रिपीट किए हैं। अब रिवर्सिबल इंजरी जब भी होगी, ठीक है, रिवर्सिबल इंजरी का मतलब क्या है कि हाइपोक्सिया ने माइटोकॉन्ड्रिया को इफेक्ट किया, ठीक है, जिसकी वजह से एटीपी की प्रोडक्शन कम होगी। ठीक है, जब एटीपी नहीं अवेलेबल होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की सप्लाई खराब हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई खराब होती है तो उसकी वजह से जो चेंजेस आती हैं रिवर इंजरी की, वो कौन कौन से होती हैं, सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है। सेलुलर स्वेलिंग यानी इसको हम कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल होता है वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलुलर स्वेलिंग और क्लाउडी स्वेलिंग, या इसका तीसरा नाम है हाइड्रोपिक चेंजेस। ये क्या होता है, इसके अंदर लार्ज वैक्यूल हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी जो वैक्यूल होता है उसके अंदर फ्लूइड ज्यादा फिल हो जाता है। सेलुलर स्वेलिंग इज द रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पंप। ठीक है, आपको पता है सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो बैलेंस में होते हैं। ठीक है, ये पोटेशियम के बाहरी, ठीक है, ज्यादा सोडियम जो है वो अंदर ज्यादा होते हैं। फेलियर ऑफ द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी रिजल्ट्स इन अकोमुलेशन ऑफ सोडियम इन साइड्स। ठीक है, सोडियम जो है वो सारे अंदर आ गए हैं और पोटाशियम सारे बाहर चले गए हैं। ठीक है, अगर तो सोडियम बहुत ज्यादा अंदर आ जाते हैं तो उसके क्या होता है कि सारा वाटर जो होता है वो सोडियम के पीछे अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल स्वेल कर जाता है। आपने सिंपल चीज याद रखनी है कि सोडियम जो है वो ज्यादा अंदर को आ जाते हैं और पोटाशियम सारे बाहर को चले जाते हैं। ठीक है, और सोडियम ज्यादा अंदर आने की वजह से क्या होता है, वाटर भी सारा जो है वो अंदर को मूव करता है, जिसकी वजह से सेल स्वेल कर जाता है, सेल की स्वेलिंग होती है। तो
की वजह से भी हमें हाइपोक्सिक इंजरी का सामना करना पड़ता है. इन द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ इंजरी सेल बिकम इनकैपेबल ऑफ मेंटेनिंग एनी कैंड फ्लूइड होम्योस्टेटिक. ठीक है, सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, कलर पेल हो जाएगा, ऑर्गन्स का वेट इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल कर देगा, होल सेल स्वेल कर जाते हैं. बस इसमें ये लिखा हुआ है, ये सेलुलर स्वेलिंग हो गया हमारा. दूसरा गया डी डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड फेलियर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इसमें उन्होंने क्या लिखा है जी, हम पढ़ लेते हैं कि राइबोसोम्स होते हैं वो बेसिकली आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो जाते हैं. क्योंकि स्वेलिंग हुई होती है ना, तो स्वेलिंग की वजह से उसके ऊपर से राइबोसोम्स भी उतर जाते हैं. ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास सेल जो है वो इस्कीमिया में जा सकता है. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया. तीसरा पॉइंट क्या है, रिड्यूस इंट्रासेलुलर पीएच रिजल्टिंग इन क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन. अब देखिए, रिड्यूस्ड इंट्रासेलुलर पीएच का मतलब क्या है कि अगर एटीपी प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन कम होने की वजह से फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक एंजाइम है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. वो क्या करता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस करवाता है. ठीक है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में आपको पता है पाइरोविक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड बनता है. ठीक है, जब बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर अकोमोडेट हो जाता है तो उसकी वजह से पीएच कम हो जाते हैं. ठीक है, पीएच कम होती है तो उसकी वजह से जितने भी ऑर्गेनाइज होते हैं उनके आपस में क्लम्पिंग होना शुरू हो जाती है. क्लम्पिंग मतलब आपस में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से आगे उन्होंने बताया कि डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन. अब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की वजह से, क्लम्पिंग की वजह से लाइसोसोमल मेम्ब्रेन खराब होना शुरू हो जाती है. मेम्ब्रेन खराब होने की वजह से जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही रिलीज होना शुरू हो जाते हैं. आपको पता है ना, लाइसोसोम के एंजाइम क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं. ठीक है, डैमेज करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स की डैमेज करना उसको शुरू कर देते हैं. आपने क्या पढ़ा, इंट्रासेलुलर पीएच कम होने का क्या इफेक्ट आता है, एटीपी प्रोडक्शन कम होती है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी ज्यादा होगी. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी ज्यादा होगी, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा होगी. ठीक है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा होने की वजह से लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी, पाइरोविक एसिड बनेगा, पीएच लो हो जाएगी. पीएच लो होने की वजह से क्लम्पिंग ऑफ ऑर्गेनेलिज होना शुरू हो जाएगी. क्लम्पिंग होगी तो उसके बाद जो लाइसोसोमल एंजाइम्स उनका रिलीज होगा जो कि डैमेज कर देंगे इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स को. ठीक है, माइलिन फिगर सेल ब्लब्स आपको नजर आएंगे, ये आपके पास डैमेज मेम्ब्रेन से बनते हैं. ठीक है, और ये साइटोस्केलेटन का डिसऑर्डरली फंक्शन से सेल ब्लब्स बनते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास हमने पढ़ लिया, रिड्यूस्ड इंटरसेलुलर पीएच भी पढ़ ली, और फोर्थ वन पॉइंट के माइलिन फिगर्स एंड सेल ब्लब्स बनते हैं ड्यू टू मेम्ब्रेन डैमेज, तो वो आपने फोर्थ वन में पढ़ लिया. तो ये हमारे पास जितने भी फीचर्स थे रिवर्सिबल इंजरी के वो हमने पढ़ लिया. अगर आपको क्वेश्चन था कि फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल इंजरी, तो आपके पास क्या है कि आपके पास सेल स्वेल कर जाता है रिवर्सिबल इंजरी में. ठीक है, मतलब जो बाद में ठीक हो सकती है, सेल स्वेल कर जाएगा, उसके बाद राइबोसोम की डिसएग्रीगेशन हो जाती है, पीएच कम हो जाती है, चौथा माइलिन फिगर्स की अपीयरेंस हो जाएगी. ये सेल रिवर्सिबल इंजरी की सारी फीचर्स थी. अब हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आपको इरिवर्सिबल इंजरी नजर आती है तो वो किस तरह की होती है. उसमें हमारे पास न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आती हैं. ठीक है, इरिवर्सिबल इंजरी के अंदर न्यूक्लियर चेंजेस क्या आती हैं कि न्यूक्लियर चेंजेस में कैरियोरिक्सिस, ठीक है, यहाँ कैरियोलाइसिस होता है. अब कैरियोलाइसिस क्या होता है, ये जो पिकनोटिक न्यूक्लियस होता है. ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि पिकनोटिक या पाइकनोटिक भी आप इसे कह सकते हैं, तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली उसकी चेंजेस हैं ये. तो हमने मतलब क्लियर है कि न्यूक्लियस के अंदर जब भी चेंजेस आएंगे उसको हम कहते हैं पिकनोसिस. ठीक है, पिकनोसिस आप ये भी कह सकते हैं कि सेल जो होता है वो किस तरह से होता है, जैसे श्रिंक कर जाते हैं. ठीक है, यहाँ सेल जो है ना वो कंडेंस कर जाता है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसकी जो न्यूक्लियर कह लो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना वो इंक्रीज होते हैं, इसे हम कहते हैं पिकनोसिस. पिकनोसिस का ही दूसरा नाम कैरियो पिकनोसिस है. ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रोमैटिन जो होता है वो आपका कंडेंस कर जाता है, न्यूक्लियस का क्रोमैटिन कंडेंस कर जाता है. उसके नतीजे में न्यूक्लियस की कह लो कि फ्रेगमेंटेशन हो जाती है जिसे कैरियोरिक्सिस कहते हैं. ठीक है, तो हमें इन्होंने क्या कहा है, ये देखिए, हमने कहा है कि कैरियोरिक्सिस क्या है, द पिकनोटिक न्यूक्लियस में ब्रेक इन टू द न्यूमरस सेल स्मॉल पार्टिकल, द प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोरिक्सिस. मतलब पहले जो है ना वो न्यूक्लियस किस तरह से था, अगर कोई डायग्राम जो है वो मुझे इसकी अच्छे से मिले तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि कह लो श्रिंक करता है. ठीक है, मतलब कि ये एक डायग्राम अच्छी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी कैरियोरिक्सिस वगैरह और कैरियोलाइसिस में हम क्या चीज जो है वो देखते हैं. देखें सबसे पहले क्या हुआ, ये देखें कैरियोलाइसिस, न्यूक्लियर फेडिंग, क्रोमैटिन डिसोल्यूशन, ये है पिकनोसिस. देखें आपने पिकनोसिस देखना, इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस फेडिंग कर रहे हैं. ठीक है,
डीएनए कंडेंस इंटू श्रृंखन फिलिप मास, ठीक है, डीएनए भी कंडेंस करा। फिर टिक्नोसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस श्रिंक घट जाएगा, और कैरियोरिक्सिस, इसके बाद क्या होता है, कैरियोरिक्सिस का प्रोसेस होता है। कैरियोरिक्सिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस बिल्कुल फ्रेगमेंट हो जाता है, यानी जो पिक्नोटिक न्यूक्लिया होता है वो रप्चर कर जाता है, और न्यूक्लियस की क्या हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, इसे हम कहते हैं कैरियोरिक्सिस। अब ये देखिए, ये डायग्राम आप लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से जो है ना वो आइडिया होगा। सबसे पहले नॉर्मल न्यूक्लियस होता है, फिर पिक्नोसिस होती है, यानी न्यूक्लियस कंडेंस होकर एक जगह पे आ जाता है, फिर कैरियोरिक्सिस हो जाती है जिसमें न्यूक्लियस सारा टूट फूट जाता है, और उसके बाद कैरियोलाइसिस जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कैरियोलाइसिस कहते हैं। ठीक है जी, अब ये आपने डायग्राम देख ली तो आपने अपने वापस आना है टॉपिक की तरफ। उसमें देखिए हमने पढ़ा न्यूक्लियर चेंजेस के अंदर कैरियोरिक्सिस है सबसे पहले। कैरियोरिक्सिस में हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर तो पिकनोटिक न्यूक्लिया है, यानी जिसमें न्यूक्लियस कंडेंस हो गया, वो ब्रेक हो गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको हम कहते हैं कैरियोरिक्सिस। ठीक है, और कैरियोरिक्सिस के अंदर डायग्राम देख ली, ये वाली कैरियोरिक्सिस, ठीक है, न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन हो गई है। उसके बाद हमने जो दूसरी टर्म पढ़नी है कैरियोलाइसिस, उसमें क्या लिखा हुआ है कि कैरियोलाइसिस व्हेन द न्यूक्लियस अंडरगोस लाइसिस विदाउट पिकनोसिस। ठीक है, जिसमें क्या हुआ है कि न्यूक्लियस ने डायरेक्ट लाइसिस कर ली है, ठीक है, पिकनोसिस वाली स्टेज नहीं आई, उसे हम कहते हैं कैरियोलाइसिस। अब इसमें हमने जो कैरियोलाइसिस देखी थी ना, उसमें हमने देखा था न्यूक्लियस डायरेक्ट, मतलब वो टूटा पड़ा है, उसके अंदर कोई इस तरह से नजर नहीं आ रहा कि न्यूक्लियस के फ्रेगमेंटेशन है, डायरेक्ट न्यूक्लियस टूट के खुद ही डिवाइड होकर खुद ही टूट फूट का शिकार हो गया, इसे हम कहते हैं कैरियोलाइसिस। ठीक है, ये आपके पास जो है वो टर्म्स होती हैं, और इनको जो है वो आपने इस फिगर के थ्रू जो है वो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैरियोलाइसिस हो गई, ये न्यूक्लियस चेंजेस हो जाती हैं। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, ठीक है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से साइटोप्लाज्म खराब हो जाता है, या आप कह सकते हैं एंजाइम्स प्रोटीन सारी जो होती है उनका लॉस हो जाता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी खराब हो जाती है, और स्वेलिंग लाइसोसोम जो है वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, या हाइपोसोमल मेम्ब्रेन लाइसोसोम की जितनी भी मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से एंजाइम सारे लीक करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है, वो अपने ही सेल को खाना शुरू कर देते हैं, जिसे मोटोलाइसिस कहते हैं। इसके अलावा अगर सर्कुलेशन में ये सेल्स एंजाइम्स चले जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से सेल डेथ हो सकती है। कार्डिक मसल्स कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम ने क्रेटिनिन काइनेज कहते हैं, ठीक है, जब भी एमआई का अटैक होता है तो हम चेक करते हैं कि क्रेटिनिन काइनेज का लेवल ज्यादा तो नहीं हो गया। ठीक है, अगर क्रेटिनिन काइनेज का लेवल ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि इंसान को एमआई का अटैक हुआ है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास जो है ना वो चीजें आ जाती हैं ये वाली। ठीक है, ये हमने हाइपोक्सिक इंजरी पढ़ ली, और फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल इंजरी, और फीचर्स क्या होते हैं इरिवर्सिबल इंजरी के। ठीक है, हम आज अपना लेसन यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी जो है ना वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं चैप्टर टू का स्टार्ट किया हमने नॉर्मल सेल क्या होता है, ठीक है, सेल रिस्पॉन्स किस तरह से करता है एडवर्स इन्फ्लुएंस में, बुरी कंडीशन में सेल अडेप्टन करता है, जिसमें हमने हाइपरट्रॉफी एट्रोफी और हाइपरप्लेजिया पढ़ा। इसके अलावा वो सेल इंजरी की फॉर्म में जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है, सेल इंजरी में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि जो रिवर्सिबल इंजरीज हैं, सेल इंजरी हैं, वो कॉज क्या होती है उनकी, ठीक है, उनकी हमने कॉजेस पढ़ ली। देन हमने मैकेनिज्म्स कुछ डिस्कस किए कि सेल इंजरी के मैकेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं, मेन चार मैकेनिज्म्स थे, उन मैकेनिज्म्स के अंदर हमने पॉइंट्स पढ़े, जैसे इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, उसके बाद हमने लॉस ऑफ कैल्शियम डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन के अंदर हमने पॉइंट्स पढ़े, देन जेनेटिक ऑल्ट्रेशन और मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट का हमने पॉइंट पढ़ा, और ये हमने मैकेनिज्म्स जो थे वो कंप्लीट किए। उसके बाद आपने जो पॉइंट क्वेश्चन किया वो इस्कीमिया क्या था, हाइपोक्सिक इंजरी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आपने फीचर्स पढ़े रिवर्सिबल इंजरी के और फीचर्स पढ़े रिवर्सिबल इंजरी के। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह बाकी जो है ना वो आप कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई समझ ना आई हो तो आप मुझसे लेक्चर के बाद जाकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।